जगत दे रहबर, मानवता दे पैगंबर, साहिब गुरु नानक जी नूं सुरत दा हिस्सा बना, उन्हां नूं याद करन वाले सतसंगी जनों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। गुरदेव जी संसार तार रहे ने, ते गुरदेव सच्चे पातशाह नाथ द्वारे तो चलदे आं, मेवाड़ दी राजधानी चित्तौड़ गए ने। चित्तौड़ तो गुरदेव पिता जी अगे चलदे आं चलदे आं अजमेर आए ने। अजमेर जो है ये राजपूत जिहड़ा उस समय दे राजे सन, सूरज बंसी, उन्हां विचों राजा अजयपाल उहदे वल्लों 145 ईस्वी दे विच आबाद किया गया शहर है। इस अजमेर दे विच ही भागां वालियो एक खुदाई फकीर दी दरगाह है। उहदा नाम आम तौर ते अजकल तां अजमेर शरीफ करके सारे संसार विच प्रसिद्ध है। ते आपां जानदे हां कि इह जिथे गुरदेव सच्चे पातशाह जांदे ने, उत्थे गुरदेव पातशाह ज्ञान बणदे ने। हुण इह बड़ा पुराना स्थान है, इहदा इतिहास विच वी मुकाम है। इहदा इस्लाम दे विच ही नहीं, इह दूजे मतां नूं प्रभावित करन वाला इस्लामिक केंद्र है। इहदे बारे वी प्रचलित रहा कि जे कि राज सत्ता दे उत्ते राज सत्ता दे घराणियां दे किहड़ा राजकुमार जिहड़ा है वारस बनेगा, उहदी जिहड़ी दुआ कीती जांदी सी, ते दुआ दे नाल इत्थे बहुत वड्डा एक तीर कमान पिया होया है। जे उहदा चिल्हा अपने आप चढ़ जांदा सी ते इह मन्निया जांदा सी कि राज सत्ता इहदी है, पर लिखिया होया मिलदा है इहदे पिछे भी कहानी होर निकल आई। चिल्हा अपने आप नहीं चढ़दा, इत्थों दे मजौर जिहड़े दरगाह दे पुजारी सन उन्हां दी रली भुगत भी कम करदी सी। इहदा भेद औरंगजेब दे वेले खुलदा है, तां उस तों बाद उह सारा आडंबर बंद हो जांदा है, सज़ा दित्तियां जांदियां ने। गुरदेव दा सच्चे गुरु नानक पातशाह दा काल ते औरंगजेब तो बहुत पहलां दा काल है। गुरदेव जी इत्थे आए ने, आडंबर उदों ही हो रहा सी, ते गुरदेव सच्चे पातशाह जी नाल भाई साहिब भाई मरदाना जी ने, ते भाई मरदाना जी ने गुरु नानक जी दी आग्या पा के रबाब वजाई है, ते गुरु नानक पातशाह जी ने इत्थे शब्द दा गायन कीता। जिहड़ा शब्द गुरु नानक जी ने गाविया, जदों दी धुन नूं इस मकबरे दे उत्ते रहण वाले जिहड़े इस्लामिक सेवक ने उन्हां दे कन्नां च पैंदी है, ते उन्हां दे अंदर एक हल चल मचदी है। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਕੌਣ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰੱਬੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਨੇ, ਨਿਡਰ ਨੇ, ਬੇਬਾਕ ਨੇ, ਨਿਰਵੈਰ ਨੇ। गुरदेव जी ने इत्थे शब्द गायन किया।
जो शब्द गुरुदेव जी ने गावे आ मुसलमान कहावण मुश्किल होए तो मुसलमान कहावै मुसलमान कहावण मुश्किल होए तो मुसलमान कहावै। ये शब्द गावे जो ये धुन आसे पासे इतों के चाकरां के कन्नां च पई कन्न खड़े हो गए। गुरदेव के आसे पासे झुरमुट पै गया आ गए। साड़ी धरती उत्ते साडे लिए सिख मत अं तो मुसलमान शरा दे पाबंदा अपने मजहब की माण मर्यादा का पालन करते हाँ पर इस तरह हुंदा ही है। बाहरी तौर पर बंदे को अपने अपने मजहब के पालन की मर्यादा के निभाने की दावेदारी सदा ही रहती है। उसका हकीकी रूप जोड़ा है वो कुछ होर हुंदा है। हुण बाहर दे मजहब नाल जुड़े हुए मानतावां नूं निभा देना पाल लेना उस तरह का लोगों नूं बन के दिखाई देना एक बड़ा अपनी किस्म का ही वर्तारा लंबे अरसे तो चलता आ रहा अज भी चल रहा है। गुरदेव जी ने पसंद नहीं गुरदेव जी नूं तां जिन वो जिंदगी पसंद है जिहड़ी जिंदगी वास्तव दे विच असूलों के प्रगटावे समाज के सामने अमली तौर पर लेके आवे। गुरदेव जी अडंबरी जिंदगी में मानता नहीं देंदे ते जिथे मजहब केवल अडंबरी बाहरी क्रियावां का प्रतीक बन के रह जाता है मजहब केवल बाहर दीआं क्रियावां का एक प्रदर्शन रूपी हिस्सा बन जाता है उत्थे गुरु नानक सच्चे पातशाह जी उहदे उत्ते टिप्पणी करदे ने। उहदे उत्ते गुरदेव जी अपने वक्रे विचार जिहड़े ने उह बेबाकी नाल देंदे ने समाज नूं चंगे लगण जां माड़े लगण उत्थों लोकां नूं प्रवान होण जां ना होण पर गुरु नानक जी अपनी जो बात उहनां नूं रब जी ने बख्शिश कीती है उह कहना अपना पहला धर्म मनते ने फर्ज मनते ने। इत्थे भी गल कीती कन्न खड़े ने ये की बह गए ने गुरु नानक सच्चे पातशाह दे चुगर दे विच तुसी साडे बारे कोई गल कर रहे हो तुसी साडी गल करनी चाह रहे हो असीं तो शरां दे मदई हाँ शरा दे पालक हाँ शरा दे नमाउण वाले हाँ असी तो सलामक जो रोह रीति है मानतावां ने मन मर्यादा है वो देखो उन्हें असी पाल रहे असी अपनी जिंदगी के बाहरी पख तो भी पाल रहे हैं मजहबी असूलों के असी बड़े कदरदान हाँ। गुरदेव जी ने उन्होंने समझाया तुसी कहण तक हो अमल तक नहीं हो। इस्लाम जिथे लैके जाना चाहते जिस सतह पर जाके तुसी मुसलमान ने बनने वो जो मजहब के असूल ने जो ताड़े अंदर पालने का हिस्सा बनने चाहिए सन जरा थोड़ा जिहा गौर करके देखो अपने अंदर लभो पालो। हुण गुरदेव जी ने जदों इन्हां नूं करेदिया करेदन तो बाद इन्हां दे अंदर इह तरहां दी अवस्था नूं सिरजिया कि अपने आपे दी पड़चोल कर लभो इस्लाम दीआं खूबियां इस्लाम दे गुण इस्लाम दीआं महत्तावां जिहड़ियां ने उह की तुहाडी जिंदगी दा शोभा हन। शरा पाल ली बहुत चंगी गल है पंज वक्त की नमाज कर ली बड़ी चंगी गल है
ये तो बड़ी बेहतर बात है। थोड़ा जहा भले अपने अंदर फूलो अपने आपे कोखो अपने आपे वेखो तो सही, अंदर करेद के देखो, लभो अपने मुसलमान, तलाश करो अपने असली मुसलमान दी। लभो अपने वल आओ, दीन कर मिठा, मुश्किल मैं माल मुसावा, लभो अपने अंदर उस तस्वीर को खो। गुरुदेव के बचन ने इन्हें अंदर एक फिक्र पा दिता है, इन्हें अंदर एक अजीब तरह की मानसिकता सिर दिती है। गुरुदेव जी होर इन्हों की कहेंगे ने साखी के अगले हिस्से में चल के आप रल मिल के सोच विचार का यतन करांगे। इनेक अखर कित थाए पा लेने, भुलां लई माफ़ी देनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।